सर मुझे रात में दुकान से घर छूट के आए हैं तो घर नहीं आए। मैंने कॉल किया उनको, तब से स्विच ऑफ ही फ़ोन आ रहा। मैं सोची कहीं चले गए होंगे करके, तो मैंने सुबह तक वेट किया। फिर उसके बाद मैंने कहा सोचा कि पुलिस में रिपोर्ट दे देती हूँ करके मिसिंग की। उसके बाद मैं देकर आई हूँ पर रिपोर्ट नहीं लिख पाई, फ़ोटो नहीं लेकर गई थी करके। तो फिर मैं यहाँ तक आई तो मुझे मैं बोली यार लाल थैली दिख रही है, ये थैली लेकर जाते हैं। तो मैंने कहा मैं देखूँ, थोड़ा सा गाड़ी खड़ी किया मैंने और देखने के लिए गई मैं, तो थैली भी दिखा चार्जर भी दिखा, तो मुझे डाउट हुआ थोड़ा सा। तो फिर मैंने मेरे किराएदार टंडन भैया उनको बुलाया, मैंने भैया आप यहाँ पर देखो, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो फिर मैं सर लोगों को लेकर आई हूँ, देखे तो सर ने बताया मुझे कि हाँ ये वहाँ पर है करके। कभी किसी से विवाद विवाद नहीं, नहीं सर उनका तो नहीं था, वो तो किसी से कुछ विवाद नहीं करते थे, बट उनके दोनों बहनों का विवाद चल रहा था उसके बीच में। किसके साथ चल रहा वो था? बड़ी वाली बहन छोटी वाली बहन के साथ में रहती, तो उन लोगों के जेवर एवर चोरी चले गए, तो वो दोनों बहनों की पुलिस केस चल रही है। तो आपके पति का इस पूरे नहीं, हमारे हम तो 4 साल से उनके इसमें है ही नहीं संपर्क में कहीं से नहीं, हम अपना कमाते अपना खाते है। जो मृतक दीपक कुलवानी अभी तक ज्ञात हुआ है, इसकी पत्नी प्रीति कुलमाली यहाँ बैद्यनाथ नगर के पीछे जो आज़ाद नगर है गंदी बस्ती में रहती हैं। और ये अभी तक महिला ने ये जानकारी दी है कि इनके पति जो है कपड़े की दुकान चलाते हैं गोकलपुर में, रात को 9-10 बजे के आसपास घर आ जाते हैं, लेकिन कल जब घर में नहीं आए तो अभी जो है ये इनको किसी तरह से पता चला, ज्ञात हुआ कि इनके पति की यहाँ पर जो है बॉडी पड़ी है और कारण अभी तक अज्ञात हैं। कुछ पारिवारिक कारण भी लग रहे हैं और जो है डॉग स्क्वाड टीम FSL बताई गई है, बुलाई गई है, वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, सभी मौके पर पहुंच रहे हैं, कार्रवाई जारी है।